रिजल्ट आता है तो रिजल्ट आपके सामने होता है कि किस तरह रिजल्ट बजट ऑन आपके सामने लेते हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये सारी चीज़ें इसी तरह वक्त के साथ साथ चलती रहती हैं, हल होती रहती हैं। और जिस तरह आप लोगों ने भी आप इनकी टीम जो होती है ये एक रीढ़ की हड्डी की माने होती है, बैक बोन है बैरियर अपना बैरियर टाउन के डेवलपमेंट में। और उन्हीं की वजह से आपने देखा कि जो स्टैंडर्ड ये लोगों ने हमें दिया है, जो जिस काम करते हैं, जिस तरह मेहनत से ये काम करते हैं, उसी की बदौलत आज अल्लाह का शुक्र है कि आपने देखा कि बीटी वी के वन जो है वो पूरे पाकिस्तान का एक जो है ना आइकॉन बन चुका है। कि इतनी अच्छी डेवलपमेंट आपने पहली गेंद देखी हो जो बीटी के वन में है। मैं पहले भी आपसे लोगों से ये कहता रहा हूँ कि आपको यहाँ बुलाने का मकसद यही था कि सीइंग इज बिलीविंग। यहाँ पे आप जब आएंगे, आप देखेंगे तो फिर आप खुद ही आप फैसला करेंगे। जितने लोग यहाँ पे अल्लाह का शुक्र मौजूद है, मेरा नहीं ख्याल कि 5-5, 6-6 प्लाट भी लें तो ये सारा प्रोजेक्ट ही ख़त्म हो जाना है पहले दिन। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये आप लोगों का प्रोजेक्ट है। जिस तरह रात को हमारे सीईओ ने आप लोगों के साथ जो मुतसलसल खिताब किया, उन्होंने फरमाया था कि ये आप लोगों का प्रोजेक्ट है, ये आप लोगों का बैरियर टाउन है। हम लोग तो यही है कि हम आपको एक चीज़ जो है ना बैरियर टाउन ने जो ट्रेंड सेट किया उसी को लेके हम चल रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला हमें उस पर कामयाबियाँ देते जा रहे हैं। और हमारा आप लोगों के साथ जो है सो हम लोग भी कामयाब होते जा रहे हैं, आप लोगों के साथ हमारी भी तरक्की होती जा रही है। और हम लोग मुख्तलिफ शहरों में स्पेशली कराची में जो हमने काम कर दिखाया, मेरा नहीं ख्याल कि कोई और काम कर सकता होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि हमेशा हमारी ही कोशिश रही है कि पहले से अच्छा काम करके दिखाएं। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बीटी के वन जिस तरह बीटी के वन में काम हो, उस तरह बीटी के टू से आपको अच्छी डेवलपमेंट, उससे भी अच्छी डेवलपमेंट मिलेगी। वो भी जिस तरह अभी कमांडर साहब फरमा रहे कि बैरिया वर्सेज बैरिया, यही हमारा कंपटीशन है। इसी तरह हम चलेंगे इंशाल्लाह और इसी तरह हम काम करते जाएंगे और ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा इंशाल्लाह ताला। ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। हर्डल्स आती हैं, मुश्किलें आती हैं, लेकिन ये मुश्किलों से मुकाबला करने वाले लोग कामयाब होते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें भी इंशाल्लाह कामयाबी देगा। और दूसरी बात ये आपसे कहना चाहूँगी कि रात को काफ़ी लोग जो है रात को नहीं आ सके, तो 3 चीज़ें थी जो हम रात को मैंने जो जिन चीज़ों का जिक्र किया वो दोबारा मैं रिपीट करना चाह रहा हूँ कि आपने देखा जैसे कि 40% यहाँ पे काम मुकम्मल हो चुका है। दूसरा ये कि इसकी जो हमने इसकी रखी है डाउन पेमेंट, वो हमने रखी है 8 से 11% डाउन पेमेंट होगी। और आपको मद्देनजर रखते हुए बहुत हमने कम डाउन पेमेंट रखी है और 4 साल की एक साथ पे उसको हमने किया है और आसान एक साथ है उसकी 4 साल की। और जो मैं आपसे ज़रूरी बात बताना चाह रहा था, जो सरप्राइज़ था एक, वो ये था कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो भी हमने अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जो हमने ट्रेंड एक बनाया वो लोगों ने फॉलो किया है। ये हमें अल्लाह ताला की मेहरबानी से ये हमें ये इस चीज़ का एजाज़ हासिल है कि जो भी हमने एक जिदत दी काम में, लोगों ने उसको फॉलो किया। जो हमने पॉलिसीज लाई, लोगों ने उसको फॉलो किया। आज एक और नई चीज़ जो हम आप यहाँ पे आपको खुशखबरी सुनाने में जा रहा हूँ, ये है कि आपको 50% पे पोजिशन मिलेगी। और 50% पोजिशन लेके बाकी 2 साल के बाद बाकी आप अपने साथ दे सकेंगे। 2 साल के अंदर अंदर आपको पोजीशन मिलेगी, 50% पे पोजीशन लेके अपना घर शुरू कर सकते हैं और बाकी एक साथ आप जो है 2 साल में अदा कर सकते हैं। तो ये पाकिस्तान में आज तक तारीख में नहीं हुआ। तो ये सिर्फ बैरिया टाउन ने ट्रेंड सेट किया और ये इंशाल्लाह ये ट्रेंड इसी तरह फॉलो होगा। बाकी आने वाले जो लोग हैं वो भी इंशाल्लाह इस ट्रेंड को फॉलो करेंगे, क्योंकि ये वक्त की एक जरूरत अहम जरूरत है कि जब भी कोई इस इंडस्ट्री को मतलब इस पर कोई ऐसा बहरान आता है तो किसी ना किसी को उठना पड़ता है। तो ये बैरियर टाउन ने ये फैसला किया है, बैरियर टाउन ने आपको मौका प्रदान किया है कि वो एक ऐसी चीज़ लाए जिसकी वजह से हमारे जो रियलिटीज़ हैं, जो परेशान लोग हैं इस आजकल कि भाई काम नहीं हो रहा, इंशाल्लाह ताला ये फिर दोबारा से काम शुरू होगा और फिर दोबारा से इंशाल्लाह ताला ये हम तरक्की करेंगे और फिर दोबारा से मिलजुल के इसको और ज़्यादा मज़ीद बेहतर करेंगे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ये प्रोजेक्ट जो है ये 5 जनवरी से इंशाल्लाह ताला इसकी लॉन्चिंग करने जा रहे हैं हम। और एक और बात, जो बैरियर टाउन के पेज पे हमने एक फॉर्म भी लगा दिया कि काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कराची से भी हैं, बाकी जो है शहरों से भी हैं, जो कह रहे थे कि जी हमने भी अपने बैरियर टाउन के बिजनेस पार्टनर्स बनाए, उनके लिए हमने एक फॉर्म अपना अपने पेज पे अपलोड किया है। वो आप लोगों ने उसको फिल करना है और उसको ईमेल करना है और उस ईमेल के बाद हम लोगों से मिलेंगे फर्दन और इसी तरह हम इसको फैमिली को बढ़ाते जाएंगे ताकि किसी को ये एतराज़ ना रहे जी कि हमें वो मौका फराम नहीं किया जाता। सबको मौके फराम किए जाएंगे। ये सबका बैरिया टाउन है, किसी कुछ मखसूस बंदों का नहीं है। ये ज़रूर है कि मेरी जो टीम है उसका मैं हर जगह पे, हर मौके पे, हर इवेंट पे ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा कि वो है तो मैं हूँ, वो है तो बैरिया टाउन है।
तो कुछ लोगों का साथ 25 साल का है, कुछ लोगों का 15 साल का है, कुछ लोगों का 5 साल का है, लेकिन हमने कभी ये फर्क महसूस नहीं होने दिया कि ये नया बंदा है, ये पुराना बंदा है। हर बंदे ने अपने काम करके दिखाया, हर बंदे का अपना मकाम है, और अल्लाह ताला इसी तरह हमारी ये फैमिली बढ़ाता रहेगा। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में, आने वाले वक्तों में बैरियर टाउन जो ट्रेंड सेट करने जा रहे हैं वो देखें। आपने खुद देखा है कि जो बैरियर टाउन स्टेडियम बना रहा है, जो बैरियर टाउन अभी आप सेंट्रल पार्क का जो अफ्तिताह होगा आज, ये तो हमने ख्वाब देखे होते हैं, हम चीज़ें देख के आते हैं जी कि सेंट्रल पार्क अगर अमेरिका में बन सकते तो पाकिस्तान में क्यों नहीं था। तो इसी तरह ये चीज़ें हम जाकर इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो आपके सामने ये चीज़ें जो ये बड़ा एक ये होता है कि चीज़ बेचना कोई वो मसला नहीं है, लेकिन चीज़ को संभालना, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर फ्राहम करना, वर्ल्ड क्लास जो आपको स्टेडियम जो हम बना रहे हैं वो ICC जो अप्रूव्ड होगा, ये प्राइवेट सेक्टर में पहला स्टेडियम होगा इंशाअल्लाह ताला, तो जो ICC अप्रूव करेगी जिसको। इसी तरह जो आपने मॉस्क बना रहे हैं वो भी देखें, ये आइकॉन है आप लोगों के लिए, और आप लोगों को फ़ख्र होगा, पूरे पाकिस्तान को फ़ख्र होगा कि पाकिस्तान में ये वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट मॉस्क। तो ये चीज़ें जो हैं ये बैरियर टाउन को क्रेडिट जाता है, और बैरियर टाउन को देखा देखिए अल्लाह का शुक्र है कि बाकी लोगों ने भी तरक्की की, वो भी अच्छे काम करें, उनके लिए भी मेरी नेक ख्वाहिशात है। लेकिन मैं फिर आपसे ये कहना चाहूँगा कि एक चीज़ जो यहाँ पे हमने जिक्र करना भूल गए, और वो अपने रात को फिर हमने मीटिंग में वो भी की, और उनको मैंने ये अपना कमिटमेंट भी दी कि ये आपने जरूर करवाना है, कमिटमेंट ली मैंने कि यहाँ पे इंशाल्लाह हम एक वाटर पार्क बनाएंगे जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी वाटर पार्क होगी। ये आप लोगों की ट्विन सिटी का प्रोजेक्ट होगा इंशाल्लाह, जिस तरह ट्विन सिटी है उस तरह का ये प्रोजेक्ट होगा, और ये इंशाल्लाह सिटी इन द सिटी होता है, जिस तरह पहले भी हमने किया है, जिस तरह अभी आपने BTK1 भी आपके सामने ही है। तो इसी तरह यहाँ पे भी अभी काफ़ी सारे देखिए बैरियर टाउन को देख के अब काफ़ी सारी ऐसी स्कूल्स, ऐसे इंटरनेशनल चेन्स जो हैं हॉस्पिटल्स की, वो हमारे पास आ रहे हैं, वो हमारे से कोलेब्रेशन करना चाह रहे हैं, जॉइंट वेंचर करना चाह रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं। ये बैरियर टाउन की तरक्की का मुंह बोलता सबूत है, और इंशाल्लाह ताला अगर इंटरनेशनल फैसिलिटीज़ आप लोगों को जब फ्राहम की जाएंगी तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इतने कम पैसों में ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सके। ये आप लोगों को मैं पहले भी एक चीज़ बावर करवा चुका था कि ये आप लोगों का तआवुन था, आप लोगों का साथ था कि जिसने बैरियर टाउन को, इस कराची को इतनी तरक्की दी, इतने कम मुद्दत में हमने इतनी बड़ी डेवलपमेंट करके दिखाई आपको। और इंशाल्लाह ये सिलसिला हम BTK2 में भी जारी रखेंगे, और हमारी टीम अगर हमने वो पिछला काम 5 साल में किया तो ये हम आपको इंशाल्लाह 3 साल में कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। बड़ा म्यूजिकल इवेंट होगा, फायर वर्क्स होगा यहाँ पे इसी साइड पर होगा, और आप सब लोगों को ओपन फॉर ऑल होगा, आप सब लोग यहाँ पे आए फैमिलीज के साथ आए, और इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे। और इसको ना आतिफ असलम को हमने स्पेशली यहाँ पे बुलवाया है 31 को, और आप फायर वर्कस भी जो होगा वो इंशाल्लाह पाकिस्तान की तरह ऐसा फायर वर्क आपने नहीं देखा होगा जो असलम ने कर रहे हैं। मेरे रिलेटिव यहाँ पे आए हुए हैं, जो यहाँ पे बंदे काम करने के लिए जो इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमने एक कैटेगरीज अनाउंस की, हमने 2 जोन रखे हैं इधर, वो हमने जगह जगह वो नहीं बनाया उसका कमर्शियल, हमने ईस्ट और वेस्ट जोन 2 रखने हैं या साउथ और नॉर्थ रखना है, इस तरह करके 2 जोन हमने बना देने हैं, उसमें कमर्शियल का वहाँ बनाना है हमने। उसके अलावा उस जगह पे हमने उन लोगों को जो 10 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करेगा उसको हम यहाँ पे कंटेनर की इजाज़त देंगे, बल्कि उसको ऑफिस बनाने की इजाज़त देंगे, वो ऑफिस बनाएगा 4 साल तक, वो उसका ऑफिस जो है ना यहाँ पे, वो उसको हम ऑफिस की जगह देंगे 4 साल तक। और उसके अलावा जो लोग कैटेगरी वाइज जो आएंगे, जो हमारे साथ काम करेंगे, एक अपनी कैटेगरी बनाई है उसके साथ हम उनको मेन रोड पे भी 15 से 20 बंदे जो होंगे उनको, जो रैंकिंग में आएंगे उनको हम मेन रोड पे भी उनके ऑफिस बनाने की इजाज़त देंगे। और लीज़ का रात को मैंने एक और बात की थी कि ये पहला प्रोजेक्ट होगा कराची का जिसमें लीज़ भी आप करवा सकते हैं, और ये सारा अप्रूव प्रोजेक्ट होगा जो हम आपको अनाउंस करने जा रहे हैं। थैंक यू।